रायपुर में बीजेपी ने भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने व्यंगात्मक लहजे में सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने गंगा जल पीकर घोषणा पत्र बनाया था या शराब पीकर। लॉकडाउन के बीच देश में संभवतः छत्तीसगढ़ बीजेपी ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने आज प्रदेशव्यापी धरना दिया है। हालांकि धरना का स्वरूप अलग है, तमाम नेता अपने घरों पर इस धरने में शामिल हुए हैं। हमारे साथ अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी के विधायक इस वक्त हैं। धरना किन विषयों को लेकर है और लगता है कि सुनवाई होगी सरकार? देखिए, कांग्रेस के सत्ता में आने के जो प्रमुख कारण माने गए उसमें तीन विषय थे, 2500 रुपया धान खरीदी, शराबबंदी और 2 साल के बोनस। 2 साल के बोनस को तो भूल जाओ, अभी तो उसकी चर्चा भी भूपेश बघेल की सरकार ने करती। अंतर की राशि जो देनी है 2500 रुपये मई महीने से देंगे बोले थे, अभी 15 दिन निकल चुका। शराबबंदी में आपने देख लिया कि छत्तीसगढ़ की जनता बिना शराब के रह सकती है, लेकिन सरकार बिना शराब के नहीं रह सकती, ये साबित हो गया। 144 लगा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई सैनिटाइजिंग नहीं, कुछ नहीं। लोगों को भगवान भरोसे छत्तीसगढ़ को ज्वालामुखी के दहाने पर बिठा दिया, सारे नियमों के धज्जियां उड़ा के भूपेश सरकार ने। ये हमारे मुद्दे हैं। अब दूसरे जो विषय हैं, पूरी फसल क्षति हो गई साहब, 8 लाख स्टूडेंट हैं, महाविद्यालयीन छात्र नियमित और स्वाध्याय, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कैसे सत्र होगा, इस साल का शैक्षणिक सत्र क्या होगा, अगले साल का शैक्षणिक सत्र क्या होगा, अंतर की राशि कब देंगे, सर्वे का पैसा कब देंगे, जो फसल क्षति उसका मुआवजा कब तक देंगे, को आगे के लिए क्या कार्य योजना है। तो सिर्फ एक कार्य योजना है कि 30,000 रुपये का मुआवजा पैकेज हमको दे दो और बैंकों के पास घूमो के साहब हमको कर्जा दे दो। एक दिन में 36 करोड़ रुपया कर्जा लिया, 17,000 ले दो, प्रतिदिन कर्जा लेती है इतना कर्जा। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल का निकाल लो, उनके 1 साल का और हमारे 15 साल का निकाल लो, कि सिवाय कर्जा ढूंढने अच्छे शर्तों में कौन कर्जा दे, ये काम सरकार ने 1.25 साल में किया। आज सरकार एक आदेश दिया है और ये कहा है कि जो बजट पारित किया गया था 100% राशि खर्च नहीं की जाएगी, अब विभाग केवल 70% राशि खर्च करेंगे। इसे किस तरह, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी में पूंजीगत भी है, जल्दी जरूरी हो तब किए जाएंगे, कोई जरूरी हो तो। इसका मतलब क्या होता, ये तनख्वाह देने वाली सरकार है सिर्फ, राजस्व व्यय किए जाएंगे मतलब तनख्वाह दिए जाएंगे। ये माना जाए कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम है, जितने भी योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि है, वो सरकार के पास इस वक्त नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सबसे गंभीर बात है कि छत्तीसगढ़ में नमक की कालाबाजारी हो रही है, सबसे जरूरी चीज की। कल पाटन में 30 से 50 रुपया बिका है नमक, उसके निर्वाचन क्षेत्र में, वहां निगरानी नहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में कैसे निगरानी होगी। और ये कालाबाजारियों को सह देने वाली सरकार है। एक सवाल है कि कल बीजेपी ने कहा कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और राजनीतिक दलों का सुझाव भी लिया जाना चाहिए, ये जरूरी नहीं हो जाता कि इस पर पहल? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आज 4थी बार राष्ट्र को संबोधित करने वाले, 3 बार मुख्यमंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्रीगण से चर्चा की। छत्तीसगढ़ ने कार्य योजना बनाने के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। एक आध दिन फोन आया था, मेरे पास भी आया था, यही बैठ के चर्चा करते तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के सामने कोई समस्या है तो उसको हम सामने रखते, मदद करते। हमने कहा था विधानसभा में कि साहब कोरोना के मामले में हम एक हैं, छत्तीसगढ़ मजबूती से लड़ेगा, लेकिन कोरोना में छत्तीसगढ़ की जनता लड़ाई लड़ रही, सरकार लड़ाई नहीं लड़ रही। सरकार एक ही काम की है, कोरोना के लिए दारू में 10 रुपया कोरोना टैक्स लगाने का और 5 रुपया गोठान सेस लगाने का। ये थे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये आरोप सरकार पर लगा रही है कि सरकार के पास कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है, न केवल कोरोना से निपटने के लिए बल्कि वित्तीय संसाधनों को लेकर, पूंजीगत व्यय का जो जिक्र अजय चंद्राकर करते नजर आ रहे हैं, दरअसल सरकार ने एक आदेश दिया है, उस आदेश में कहा है कि कोई भी बजट के लिए अब जो विभाग है वो 100% राशि खर्च नहीं करेगी, केवल 70% राशि ही विभागों को खर्च करना होगा। हालांकि मौजूदा दौर में तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो वित्तीय असंतुलन की शिकार इस लिहाज से भी हो जाती हैं क्योंकि कोई बड़ा राजस्व सरकारों को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो तमाम सवाल यहां पर उठाए गए हैं, जाहिर है कांग्रेस की ओर से उसका जवाब अपेक्षित किया जाएगा। कैमरामैन जगह के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बीजेपी की एक